आरआरबी जेई में CBT 1 और CBT 2 को दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होगा, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं CBT 1 के लिए तो उनको ये लगता है कि CBT 2 में जो कि टेक्निकल है, जो कि डिफ़िकल्ट है, वो ज़्यादा मेरा कमज़ोर ना रह जाए और उनमें वो पीछे ना रह जाए। सेलेक्ट होने के बाद भी CBT 1 में CBT 2 क्लियर नहीं होगा, तो ये डर बच्चों को सताता रहता है। दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार CBT 2 की प्रिपरेशन मैं अभी करता रहूँगा तो CBT 1 कहीं मेरा कमज़ोर ना रह जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आप लोगों को करना चाहिए, किस हिसाब से आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए CBT 1 और CBT 2 एग्जामिनेशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमेंद्र और एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि CBT 1 और CBT 2 को दोनों को एक साथ में रहकर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। तो देखो यार, सब पहले मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ में मैं CBT 2 की भी बात करूँगा। अगर हम स्टार्ट करें एग्जामिनेशन के पैटर्न से, तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, दैट वाज अ जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग वाला पार्ट है ये। जनरल अवेयरनेस जिसमें स्टैटिक जीके आती है और करंट अफेयर आता है 50-50 मार्क्स का, 50-50% मार्क्स का, तो ये 15 नंबर का रहेगा। और जनरल साइंस स्पेसिफिकली आपका 30 मार्क्स का रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर के दो अगर देखूँ, तो पहले मैं हल्का सा सिनेरियो बता दूँ, फिर मैं बता दूँ कितना कितना टाइम आपको लगाना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम सिनेरियो को यहाँ पर जज करें, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐसे हैं कि जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? और यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी के जो दोनों है ना, ये ऐसा है कि भैया आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, गलत ही होगा वो, ठीक है। लेकिन एफर्ट बच्चा कहाँ डाल सकता है? इन दोनों में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों को भी इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन आपका पक्का रहे, क्लियर। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो देखो यार, हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग टाइम मैनेजमेंट रहता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो 8 घंटे पढ़ाई करता है, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो 6 घंटे पढ़ाई करता है, हो सकता है कोई स्टूडेंट सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ाई करता होगा, या फिर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मानता हूँ कि आपका जो टाइम है वो एक एवरेज टाइम 6 घंटे का टाइम मैं मानता हूँ। तो वहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स आपको 1 आवर ईच डे पढ़नी है, 1 आवर ईच डे। मैं आप बात कर रहा हूँ CBT 1 तक के टाइम की, ठीक है ना। 1 आवर ईच डे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ पर इसको आप 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो कि 30 मिनट्स आप लोग करें रिविजन, जो भी आपने पढ़ा हुआ है 30 मिनट्स आप लोग करें रिविजन, और 30 मिनट्स आप लोग करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। 30 मिनट्स आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली यू हैव टू गिव द सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस पोर्शन ऑल्सो, करीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको इसको देना है। और तीसरा जो पोर्शन है वो आप कहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे? 1 आवर आप यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, क्लियर है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ 4 से 5 घंटे की प्रिपरेशन की। अगर आपकी प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा है, 10 घंटे है या 8 घंटे है, उसके हिसाब से प्रपोर्शन में आप इसको बढ़ा या घटा लीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा समय एफर्ट नहीं लगाना है। करीब अगर आप 30 मिनट्स करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर स्टैटिक जीके को रिवाइज करेंगे, डेट विल बी सफिशियंट। तो ये हमने एक प्रॉपर टाइम बताया है कितने टाइम आपको पढ़ना चाहिए अगर आप एक्टिवली इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अब बात आ जाती है कि सर फिर टेक्निकल का क्या सर, क्योंकि 3 महीने तक मैं टेक्निकल नहीं पढ़ूंगा तो टेक्निकल हवा हवाई हो जाएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग एक बार टेक्निकल का सिलेबस देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो टेक्निकल जो CBT 2 का सिलेबस देख लेते हैं। CBT 2 में आपको एडिशनल क्या पढ़ना होगा? वो पढ़ना होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस तो कॉमन ही है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एनवायरनमेंट, ये आपको एडिशनल पढ़ना होगा। और हम ये सोच सकते हैं कि CBT 1 का एग्जाम होने और CBT 2 के बीच में करीब करीब 3 महीने का टाइम होगा, 3 मंथ का टाइम होगा वहाँ पर, और उस 3 मंथ में आप इन 3 चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वेटेज नहीं है।
अब फंसता है कहाँ पे खेल, फंसता है खेल यहाँ पर 100 नंबर। तो आज की तारीख से क्या करें, सिर्फ सीबीटी वन पे फोकस करें या फिर सीबीटी टू के लिए भी कुछ करते रहे। देखो अभी पूरे 5 घंटे का ड्यूरेशन नहीं हुआ है, अभी भी 1 घंटे के आसपास का समय बचा है, करीब करीब 1 घंटे का समय बचा है। तो 1 आवर आप एवरी डे, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर आप 30 मिनट्स थ्योरी रिवाइज करेंगे और 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो फिर 1 आवर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वो ज़रूरी है। तो अगर इस सीबीटी वन के दौरान अगर कम्प्लीटली ये नॉन टेक्निकल पे ही फोकस करते रह गए तो फिर सीबीटी टू में जाकर समस्या होगी ही होगी, ये मान के चलो। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका एक प्रॉपर सिनेरियो बन सकता है। और जब अगर आप सीबीटी वन क्लियर हो जाता है उसके बाद की बात करें तब तो बिल्कुल तगड़े तरीके से आपको टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सीबीटी वन तक ये आपका टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। इसको आप 1 आवर कर सकते हैं टेक्निकल को। ये किसको, किसकी बात चल रही है? टेक्निकल की। कब तक के लिए? सीबीटी वन तक के लिए। उसके आगे की प्लान्स आगे आगे हम लोग बताएंगे। ये मैंने सिनेरियो बनाया है कि आप करीबन 4.5 से 5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटे आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, 1 आवर आप लोग साइंस पढ़ेंगे, 30 मिनट्स के आसपास आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, इतना हो गया 3.5 घंटे, और 1 घंटे आपका यहाँ पर टेक्निकल का हो गया। क्लियर है? 4.5 घंटे का प्लान मैंने बताया है। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है सीबीटी वन के साथ सीबीटी टू किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसी तरीके के एग्जामिनेशंस के लिए तो यहाँ पर हमारी ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। विद्युत बैच चल रहा है, अच्छा अगर स्पेशली आरआरबी के लिए राजधानी बैच चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का राजधानी बैच चल रहा है, जो कि जिसमें करीब 30% ऑफ चल रहा है अभी। अगर आप EB30 कोड यूज़ करते हैं 4900 को का आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो 4200 आपका प्राइस लगेगा यहाँ पर। और विद्युत बैच विच इज़ द महापैक, महापैक का मतलब है कि इंडिया में किसी भी लेवल का AE और JE का एग्ज़ाम अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये जो कोर्स है आप लोगों को, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें सभी के सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये 7000 का आपको मिल रहा है, और इसमें सिर्फ अगर आप टेक्निकल लेना चाहते हैं तो वो आपको 4900 का आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, और इस तरीके की वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।